Assalamualaikum everybody, this is Mehina Altaf और आज मैं आई हूँ पाक कुजिन खैबाने मुस्लिम पे। यहाँ की बट कढ़ाई बहुत मशहूर है जो कि हम लाहौर में खाया करते थे, तो आज मैं वो खाने वाली हूँ। और डिफरेंट डिफरेंट खाने जो यहाँ पे सर्व किए जा रहे हैं वो भी हम देखेंगे। मेन्यू मेरे पास आ चुका है पाक कुजीन का, तो इसमें डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या खाना है। एंड लोगों का जो रिस्पॉन्स है इस रेस्टोरेंट को लेके वो बेहतरीन है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, खाना इन्जॉय कर रहे हैं। सो आज संडे का दिन है, आज मैं भी इन्जॉय करूँगी। एंड लाइव किचन भी यहाँ पर मौजूद है, अगर आपको देखना है कि किस तरीके से खाना बन रहा है, कि क्या सफाई है, सुथराई है, क्या रेसिपी है, क्या हो रहा है बेसिकली अंदर किचन के अंदर, तो वो भी सब देख सकते हैं। सो यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग सम रियली गुड फूड at Park Cuisine and let's see kaisa hota hai। जिस शख्स के साथ इस वक्त मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, इकरार हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आई हुई हूँ आज बट कढ़ाई पे, और जाहिर से तो लाहौर में बट कढ़ाई का हमने नाम सुना है, हमने खाया भी है, अब कराची में बट कढ़ाई खुला है, तो कितने एक्साइटेड हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के? बहुत मुझे हैरत हुई कि और कराची वालों ने वाकई बड़े बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया। जिस तरह सबको वेलकम करते हैं, इसी तरह से खाने को भी, फूड को भी उसी तरह से वेलकम किया। और मैंने सोचा था जितनी मशहूर कढ़ाइयाँ यहाँ की और जितना कुछ भी है, जो चंद एक चीज़ें यहाँ की बिरयानी और निहारी के अलावा, वो कराची के लोगों ने वेलकम किया है। शिनवारी हो चाहे वो यू नो मुख्तलिफ इलाकों में जो कढ़ाइयाँ हैं वो किसी न किसी एरिया से पाकिस्तान के आई हैं, तो कराची वालों ने हमेशा बड़ी मोहब्बत का और अपनाइत का इजहार किया है तमाम खानों के लिए। तो बट कढ़ाई के लिए भी ऐसा ही रिस्पॉन्स है। मुझे हैरत है, खुशगवार हैरत हुई कि लिटरली वाकई हम सोचते थे कि यार कुछ, या सुनते थे कि लाइन में लग के लोग, वाकई लोग लाइन में लग के बट कढ़ाई। और जहाँ तक मुझे पता है इस रेस्टोरेंट बट कढ़ाई की कोई प्रमोशन नहीं हुई है, कोई पब्लिसिटी नहीं हुई है, जैसे कि आप पोस्टर्स लगवाते हैं, मैसेज भिजवाते हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितने लोग आए हैं वो अपने दिल से आए। पाकिस्तानी खाने बड़े हम उनको अंडरमाइन करते रहे अब तक, और अब ये जो पाक कुजीन है इसका बेसिक पर्पज़ और मकसद ही है कि जो पाकिस्तान के अच्छे खाने हैं, चाहे वो चपली कबाब एक जगह बहुत मशहूर, चाहे वो तवा चिकन है, चाहे वो कढ़ाई है, चाहे वो काबली पुलाव है, चाहे जो पाकिस्तान के वो चीज़ें जो हमारे इमेज को बहुत अच्छे तरीके से दुनिया भर में देखी जा सकती है। आप देखें ना, हम इटली जाते हैं, इटली मैंने पहली बार इटली गया तो मुझे पहला जो एक ख्वाब सा था कि यार इटालियन फूड इटली में रहते हुए दुनिया में जिसने अपना नाम बनाया। टर्किश फूड आप देखें हर कॉर्नर पे, यूरोप में हर जगह फैला हुआ आपको मिलता है, हर गली में आपको कोई ना कोई टर्किश डोनर और सब कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो पाकिस्तान के खाने ऐसी चीज़ हो सकते हैं कि जब आप किसी गोरे से मिलें और उसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, हाँ अच्छा यार वो कढ़ाई तुम्हारी बड़ी मज़ेदार होती है, या तुम्हारे आम बहुत अच्छे होते हैं, या तुम लोगों की चपली कबाब मैंने ट्राई किए हैं बहुत अच्छे, बजाय इसकी वो पूछे कि धमाका या खुदा ना खास्ता दुनिया। तो एक इमेज हम अपने मुल्क का अपने खानों के ज़रिए दुनिया भर में ले जा सकते हैं। बट कढ़ाई के बाद इंशाल्लाह तवा चिकन, तवा चिकन के बाद इंशाल्लाह काबली पुलाव, काबली पुलाव जो बेस्ट पाकिस्तान के 60-70 सालों से जिन्होंने अपना नाम पैदा किया। अच्छा, एक छोटा सा मेरा सवाल ये है कि ये चीज़ें तो हम सुनते हैं, ये सारी चीज़ें कढ़ाई का नाम सुनते, जब मुझे ना बट कढ़ाई जा रहे हैं, मैंने कहा यार शूट कैसे करेंगे, क्या होगा, माहौल क्या होगा, और जैसे ही मैं अंदर आई तो उसका इंटीरियर बिल्कुल डिफरेंट था। कढ़ाई का नाम सुनते आपके दिमाग में कुछ और आता है, तख्त होगा और बैठेंगे, हाँ बहुत ट्रेडिशनल होगा, लेकिन एवरीथिंग इज वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी इजी, वाइट भी है, तो इंटीरियर किया किसने है आपका? ये इंटीरियर हमने मतलब कोई ऐसा खास मिलजुल के किया, एक बच्ची है हमारी बहन है बड़ी, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया, लेकिन ओवरऑल हमने एक एक चीज़ करके यार इसको निकाल देते हैं, तो उसको कर लेते हैं, तो ये देखते हैं बस। और कितना टाइम लगा था इंटीरियर करने में आपको? ये 3 महीने में तैयार हुआ। ओह, स्क्रैच से यहाँ पे फिर कबाड़ पड़ा हुआ था, पूरा भरा हुआ था, उससे जब ये ओपन किया मैंने तकरीबन 2.5 से 3। ठीक है, आज मैं बट कढ़ाई पे आई हूँ, ठीक है, और अब मैं खाना खाने वाली हूँ, तो आप मुझे क्या सजेशन देंगे कि मुझे इससे शुरू करना चाहिए, ये जरूर? देखिए, मैंने बट कढ़ाई तकरीबन 13 साल खाई है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में था, तो हम लक्ष्मी चौक चला जाया करते थे पैदल। अच्छा, अब मेरा हर 10 दिन में लाहौर एक चक्कर लगता है, 7 दिन में 10 दिन में 15 दिन में। ये हो नहीं सकता कि मैं लाहौर में हूँ और डिनर बट कढ़ाई बनाऊँ, इम्पॉसिबल। तो रोज़ आप बट कढ़ाई जाते हैं? तो बट कढ़ाई कराची आने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कारुल हसन को,
ये बिजनेस है या नहीं है, ये कुछ और है या नहीं है, यानी कि आप खाने के शौकीन इंसान हैं। तो स्टाफ को कैसे गाइड कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों से रहना है उनको, आपका रिस्पांस कैसा है, लोगों का रिस्पांस कैसा है जब लोग आते हैं और आपको देखते हैं यहाँ पर? मुझे पता है आप यूजुअली यहाँ पर होते नहीं है, आई नो दिस, लेकिन फिर भी क्या होता है रिस्पांस? अच्छा होता है, लोग शिकवा भी करते हैं कि जी देखें ये पानी देर से आया था, और ये यू नो अपना समझते हैं। आपको कैसा लगता है जब कोई कहता है कि पानी देर से आया? अच्छा लगता है कि वो अगर नहीं बताएंगे और सिर्फ तारीफ करते रहेंगे तो फिर वो चीज़ें वैसे की वैसे ही रहेंगी। चल ठीक है, वो मुझे हमेशा ये होता है, और ऐसा हो नहीं सकता कि परफेक्शन और इतने कम दिनों में आ जाए, जाहिर हमने सबने सीखना है, हमारी टीम भी सीख रही है। ये वैसे बहुत बड़े दिल की बात है, आपने कहा कि मुझे अच्छा लगता है, लिटरली मुझे अच्छा लगता है। मुझे जब कोई कहता है बहुत अच्छा था, यूँ करता मुझे होता है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है, कुछ होना चाहिए, सो दैट मैं उसको बेहतर करूँ। कि आप मुझे कहेंगे ये ग्लास जो है ना, ये आप ज़रा वो मोटे वाले ले आए, ये टूट जाते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे मैं सीखूँ और उसको ठीक हो। तो यानी कि रात में से आपका ऑपरेशन जो आपने करना होता है उसके बारे में आप नहीं सोच रहे थे, आप इन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे थे? नहीं, अब तो खैर मैंने शुरू शुरू में बहुत मेहनत करके कर दिया इनको, अब ये जाहिर है बाकी लोग देखेंगे इसको और देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं वापस, मेरा मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे अहम काम जो है वही है, और उसी की वजह से सारी इज्जत है। तो यानी कि आप हमें 10-15 दिन के बाद यहाँ नहीं दिखने वाले हैं? अगर लोग इस एक बार करूंगा, ठीक है थैंक यू सो मच, शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। और अब हम खाना खाते हैं और हम खाना एंजॉय करेंगे, मैं आपको फिर बताऊंगी कैसा। बिल्कुल ठीक, थैंक यू, सही वाला फीडबैक। बिल्कुल आप सब जानते हैं कि आज मैं पाक कुजीन आई थी, कढ़ाई इंजॉय की, मलाई बूटी इंजॉय की, खाना बहुत ज़बरदस्त है, एम्बियांस बहुत अच्छा है, फैमिली माहौल है। तो अगर आपको अच्छी कढ़ाई और अच्छा देसी खाना खाना है तो आपने आना है पाक कुजीन, यहाँ पर आइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप गए हैं, जा चुके हैं, प्लान कर रहे हैं, क्या है। रिजर्वेशन अपनी ज़रूर करवा दीजिएगा पाक कुजीन पे आने से पहले, एंड इन्जॉय द फूड, बिकॉज़ आई एब्सोल्युटली लव इट।